हाय, मैं हूँ मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं मुंबई स्टार न्यूज। देखिए, हमारी फिल्म वही कह रही है जो होर्डिंग कह रहा है, अपने धर्म पर चलें, दूसरों के धर्म का सम्मान करें, यही हमारी फिल्म का विषय भी है। और यहाँ जू सर्कल पे एक बाबा खड़े रहते हैं जो ये प्रचार बहुत दिनों से कर रहे हैं, संदेश फैला रहे हैं, अपने धर्म पर चलें, दूसरों से प्यार करें। तो हमारा भी वही है कि स्प्रेड लव नॉट हेट। तो हमारी फिल्म 31 मई को आ रही है, यही बात कहने के लिए आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में। दूसरी बात, ये तरीका चुनने के पीछे कारण ये है कि इस तरह की फिल्में आप देखते हैं कि उनका कंटेंट अच्छा होता है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, बजट्स की तंगी होती है। तो हमारी ये कोशिश है कि वो कमी हमको रोक ना पाए, भले हमारे पास होर्डिंग लगाने के पैसे ना हो, लेकिन हम खुद होर्डिंग बन के आज यहाँ जुहू सर्किल पे खड़े हुए और जगह जगह जाएंगे। लाइव होर्डिंग है, उस होर्डिंग को पसीना नहीं आता, इस होर्डिंग को पसीना आ रहा है, उस होर्डिंग को धूप नहीं लगती, इस होर्डिंग को धूप लग रही है, और वो होर्डिंग एक ही जगह खड़ा रहता है। ये होर्डिंग आपके माध्यम से पूरी दुनिया में जाएगा। इस फिल्म का खास मकसद है भाईचारा, आपस में जोड़ना, तोड़ना नहीं। और मुझे लगता है ये अच्छा मकसद है और अच्छे मकसद में सबको सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, प्रमोशन की जहाँ तक बात है तो ये इसका क्रेडिट इनाम भाई को जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा भी ना, जूहू सर्किल के बाबा बड़े मशहूर है जिन्होंने मैसेज दिया था। हम जब ये फिल्म बना रहे थे तो हमारे दिमाग में ये था कि इंसानियत और हिंदुस्तान की एकता की बात करती हुई फिल्म है, तो इसकी जो शुरुआत किया जाए कुछ अलग तरह का हो। और गर्मी में आप सब भी आए और आप देख रहे हैं ट्रैफिक में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, मुझे लगता है ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जितनी मेहनत से हमने फिल्म बनाई है, हम चाहते हैं उतनी ही मेहनत से इसका प्रमोशन हो ताकि वो सब तक पहुँचे। और ये आज की बातें, आज बड़े बड़े ठंडे का रूम बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगता है कि एकता और दूसरी चीज़ें, लेकिन सड़क पे उतर के जब उसकी बात होती है उसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है ये इस प्रमोशन से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर और कहीं ना कहीं लोगों को समझ आएगा कि नहीं, ये मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। सर, आप शारिक भाई इसका जवाब देंगे? नहीं, मतलब इसका जवाब, फिल्मिस्तान के वक्त भी हम लोग बस लेकर बस यात्रा लेकर निकले और सारे फिल्म स्टार्स के घरों के बाहर हम लोगों ने आरती गाई थी, भजन गाए थे। इसका थीम ये है धर्मों के, सब धर्मों से प्यार करना, सब धर्म जो हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं बस इस फिल्म के जरिए। वैसा कुछ नहीं है, हमारी फिल्म आप देखेंगे, मैं कहता हूं कि आप अपने 10 सवालों की लिस्ट बना लीजिए और फिर फिल्म देखिए। आपने 90% सवालों को खुद ही नहीं काट दिया तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। साइकिल यात्रा कहां से कहां तक खत्म होगी जाके? आज हम लोग जुहू सर्किल से अभी जुहू बीच जाएंगे, जुहू चौपाटी पे प्रेम का संदेश देंगे, उसके बाद फिर बांद्रा जाएंगे फैशन स्ट्रीट, और उसके बाद देखते हैं आगे की यात्रा कहां जाती है। वहां तक हमने तय किया है क्योंकि भाई का रोज़ा भी है, मेरा भी रोज़ा हो सकता था लेकिन मैं नहीं रख पाया। तो हम आने वाले वक्त में दूसरे शहरों में भी इसी तरह का सेम प्लान कर रहे हैं, साइकिल यात्रा प्यार का संदेश देती हुई, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचे और लोग इंस्पायर हो। ऐसे ही बॉलीवुड के ढेर सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए खबरों का संसार मुंबई स्टार, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।